Praise the Lord. I hope all of you are good and you are happy and joyful in the Lord, and God has kept you well throughout the week. I first of all say sorry for being little late, and I hope I'll be able to talk to you well and explain the word of God. And Lord, may help me, Holy Spirit, may help me to explain the word of God. Start with a small prayer. Dear loving Heavenly Father, we come to Thee. We praise You and thank You, Lord, for this day. Thank You, dear Father, that You have kept us safe and alive in this great thing. Thank You, Lord, You love us. You care for us so much that You have given Your only begotten Son, Jesus Christ, so we can get the salvation and eternal life. Dear Father, thank You for making us into Your perfect image. Help us to keep that image well in our life with Your word and with Your help and with the guidance of the Holy Spirit. Dear Father, help me to speak today with the power of the Holy Spirit. It's not me, but You may be lifted up, dear Father. Thank You, dear Jesus. We pray for all the people who are joining and who will be with me or who will be later on watching this video. Dear Father, bless each one of them. Bless Anupam Bhai and Shabnam Ji for their efforts and for their dedication for You. For we ask all this in Jesus' precious name. Thank You for listening to our prayer. In Jesus' name. Amen. So let us sing a song first, as usual, and then we begin with the word of God. I hope you can hear me and you can see me properly. Please write it in the comment box. प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन ए मेरी दिल ले मेरी जान रह तू उसी में मगन प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे जीवन भी जितना मिला है उसका है उसको ही दे जीवन के हर एक पलों में रह तू उसी में मगन प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन जो कुछ भी जिसको दिया है ये है उसी का करम जो कुछ भी उसको दिया है ये है उसी का करम मेरा न इसका न उसका सबका है ये ही भरम छोड़े के दुनिया की बातों को रह तू उसी में मगन प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन दुनिया के कितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों
तक दुनिया के कितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों का, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। ऐ मेरे दिल मेरी जान, रह तू उसी में मगन। थैंक यू ब्रदर अनुपम एंड शबनम जी फॉर कमिंग हियर एंड इट इज योर पेज एंड आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पेज एंड गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन दिस पेज एवरी मंडे टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। सो आइए हम अब वचन में चलेंगे एंड वचन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि हम इस संसार के हैं या हम स्वर्ग के हैं, हम कहाँ के निवासी हैं, इस संसार के निवासी हैं या हम स्वर्ग के निवासी हैं। सो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बस हम दुनिया में आए हैं, दुनिया में कुछ साल रहेंगे, 70-80 साल 90 साल, उसके बाद हम बस खत्म हो जाएंगे, दैट्स ऑल। वो ये नहीं जानते कि इस सांसारिक जीवन के आगे भी एक और जीवन है और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पूरे यूनिवर्स में 3 भाग हैं, एक है स्वर्ग और दूसरा है संसार और तीसरा है वो अधोलोक जहाँ पर नरक है। तो इस तरह से हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि हमारा जीवन जो है ये 2 भागों में या 3 भागों में कैसे रहता है। और नाउ जब हम इस संसार में हैं तो हम इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं क्योंकि परमेश्वर का एक पर्पस है, एक मकसद है हमें इस दुनिया में भेजने का। ये नहीं कि हम संसार में आए और खाएं पिएं और जो है मौज मस्ती करें और पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें और परिवार बनाएं और दैट्स ऑल, उसके बाद हमारा जीवन खत्म। हम मसीहों को और हम विश्वासियों को ऐसे कभी नहीं सोचना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में भेजा गया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम एक एक जीवन जो पाएं वो जो है ये केवल सांसारिक जीवन ना हो बल्कि ये एक अनंत जीवन हो और इस दुनिया के पापों से, इस दुनिया इस समाज के सारी बुराइयों से हमें क्या मिले, उद्धार मिले, हमें माफी मिले, परमेश्वर की माफी, परमेश्वर की क्षमा मिले ताकि हम उस अनंत काल के जीवन के अधिकारी हो सकें। एंड वी शुड बिकम द सिटीजन ऑफ गॉड, वी शुड बिकम द सिटीजन ऑफ हेवन। सो देर इज अ सॉन्ग, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। और इंग्लिश में भी एक सॉन्ग है, सिटी ऑफ गॉड, वंडरस थिंग्स आर स्पोकन ऑफ यू, सिटी ऑफ गॉड, वंडरस थिंग्स आर स्पोकन ऑफ यू, सच वंडरस थिंग्स are spoken of you, city of God, wondrous things are spoken of you,
फिर वो जो सियोन का राज्य है जो कि अनंत काल के लिए है, जो कि परमेश्वर जहाँ पर विराजमान है, वो स्वर्ग जो परमेश्वर की क्या है सिंहासन है, और ये संसार उसकी पांव की चौकी है। सो बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग भी सत्य है और संसार सत्य है जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और जो अधोलोक नरक भी सत्य है, क्योंकि इन तीनों का वर्णन बाइबल करती है। और हम इस बात को जानते हैं जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है और पवित्र आत्मा हमको ये सारी जानकारियां देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं या किसी विश्वासी के शेयरिंग को मैसेज को सुनते हैं, तो ये जो ज्ञान है हमारा दिन बाय दिन बढ़ता चला जाता है। तो हमारा सवाल क्या था कि डू आई बिलोंग टू दिस वर्ल्ड और हेवन। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ पर क्या हैं, हम एक परदेसी हैं। वी आर फॉरेनर्स, वी आर नॉट फॉर दिस वर्ल्ड, और वी आर नॉट गोइंग टू लिव हियर फॉर द होल लाइफ। वी आर हियर फॉर फ्यू इयर्स। सम पीपल लिव फॉर वेरी फ्यू इयर्स, सम पीपल मे लिव फॉर 40 इयर्स। नाउ दिस हार्ट अटैक एक्सेट्रा आर बिकमिंग सो कॉमन कि 40 साल के आसपास ही जो लोग हैं उनकी लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कुछ लोग जो हैं आगे चल के कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है, नाना प्रकार की बीमारियों से मृत्यु हो जाती है, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि 70-80 साल तक जी पाते हैं, और बहुत ही थोड़े लोग हैं जो कि कितने 100 साल या 100 साल से ऊपर जी सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक मनुष्य दुनिया में है जो कि 124 साल का है। सो इस तरह हम देखते हैं कि लाइफ जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। हमारा एक एक दिन जो है वो गिना हुआ है कि हम कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए इस दुनिया में आए हैं। और जब भी हमारी सांस बंद हो जाती है, हमारी दिल की धड़कन बंद हो जाती है, तो हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, हम इस दुनिया से चले जाते हैं। और 1 Corinthians 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि हम सबको बदलना चाहिए। और हम सबको क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, और हम जब परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे और तभी हम जो है बदलेंगे। अदरवाइज हम जो है ये संसार के बाद केवल और केवल नरक में जाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से ही हम जो है स्वर्ग में जा सकते हैं, अपने पापों की क्षमा मांग के और परमेश्वर के वचनों पे चलकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हम स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। और यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया के जाने से पहले, देखो मैं यहाँ जाता हूँ ताकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए मकान बना सकूं। अगर ऐसा ना होता तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते। तो इससे पता चलता है कि हमारे लिए जो स्वर्ग में मकान बना रहे हैं प्रभु, और वो उस मकान में हम जाकर रहेंगे। लेकिन जब दुनिया में इंसान रहता है तो दुनिया में वो यही लालसा करता है कि हम करोड़पति बन जाएं, हम मिलियनेयर बन जाएं, और किसी किसी के पास गाड़ी होती है तो वो सोचते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर होता है तो सोचते हैं हमारे पास अपना पर्सनल प्लेन हो जिससे हम इधर उधर जा सकें, और अगर हमारा छोटा घर होता है इंसान के पास तो वो चाहता है कि बहुत बड़ा मकान हमारा हो, और बहुत बड़े मकान से फिर वो महलों की आशा रखता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपने जरूर महल देखे होंगे, महल विजिट करे होंगे, जैसे कि आगरा में आपने लाल किला देखा होगा, दिल्ली में आपने लाल किला देखा होगा, और बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, आज वो खाली पड़ी है।
और वो बिल्कुल उजाड़ हो चुकी हैं, वो खंडर बन चुकी हैं और उनके अंदर एक दीपक भी नहीं जलता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये सब जो है महल गाड़ी और सारी जो संपत्ति है वो इस दुनिया में ही रह जाएगी और जो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे उनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो स्वर्ग का राज है वो अनंत है। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये अनंत हैं और हम उसके साथ में, उनके साथ में अनंत काल तक रहेंगे। तो क्या ही आनंद की बात है ये, क्या ही हर्ष की बात है ये कि हम कभी नहीं मरेंगे। और जो मैं हर बार ये इस बात को अक्सर बताती हूँ कि सिकंदर ने, जो किंग अलेक्जेंडर था, उसने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया। और हम सबको पता है कि किंग अलेक्जेंडर ने सारी विश्व को जीत लिया था और जब वो मरने वाला था तो उसने अपने लोगों से कहा कि जब तुम मेरी बॉडी को उस पर रखना, मेरी मैयत को रखना, तो मेरे हाथ जो है वो खुले छोड़ देना, और ताकि लोग उन हाथों को देख सकें और वो देख सकें कि ये जो बादशाह सिकंदर, ये जो किंग अलेक्जेंडर था, इसने जबकि सारी दुनिया को जीत लिया लेकिन ये खाली हाथ जा रहा है। तो ना तो हम कोई चीज अपने अपने साथ लेकर आते हैं स्वर्ग से, ना तो हम कोई चीज यहाँ दुनिया से लेकर जाते हैं। और जैसे कि अय्यूब कहता है कि हम बिना वस्त्र के हम नंगे ही आए थे और हम नंगे ही जाएंगे, हम कुछ भी लेकर यहाँ से नहीं जा सकते हैं। फिर क्यों इस दुनिया के चीजों की लालसा करना, इस दुनिया के धन की लालसा करना, इस दुनिया के सारी अच्छी चीजों की लालसा करना, क्योंकि हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है, हम परदेसी हैं, हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं प्रियो। सो हमको उन बातों के लिए सोचना है जो बातें हमारे लिए अनंत हैं। और मैथ्यू हमें बताता है कि जो दुनिया में जो चीजें हैं, दुनिया में धन इकट्ठे मत करो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कीड़े मकोड़े उनको खा जाएंगे, बल्कि तुम अपना धन कहाँ इकट्ठे करो, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठे करो, जहाँ पर आपका धन जो है वो आप जो है अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो ये है बाइबल की शिक्षा कि हमें अपने लिए धन जो है वो स्वर्ग में एकत्रित करना है। और जितने भी लोग हैं दुनिया में, चाहे वो साधु हों, संत हों, बिशप हों, या फिर पादरी हों, इवांजलिस्ट हों, और बड़े बड़े महात्मा हों, और हम हों, तो हम में से कोई भी इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। जो एक बार पैदा हुआ है, जिसका एक बार जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु जो है अवश्य होगी। जन्म इतना ज्यादा स्थायी नहीं है जितनी की मृत्यु है, क्योंकि जो पैदा होता है उसको मरना अवश्य होता है। सो हम किस राज्य की खोज करें, हम इस टेम्पररी वर्ल्ड की खोज करें या उस अनंत अनंत देश की खोज करें जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं। तो ये एक सवाल है जो हमको बार बार अपने आप से पूछना है। और जब हम एक बार दृढ़ हो जाते हैं कि हमें स्वर्ग की राज्य की खोज करनी है और हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तब हम जान जाते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है। रोमन्स 12:2 अगर हम पढ़ें, और रोमन्स 12:2 में लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो, क्या इस संसार के सदृश ना बनो, इसको अपना घर ना समझो, क्योंकि ये क्या है, टेम्पररी है। तो इस संसार को अपना घर हम कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने वाले हैं, और इसके लिए हमको इस संसार को कभी भी अपना नहीं समझना है, बल्कि अपने जहन में हमको हमेशा याद रखना है कि एक दिन हमको स्वर्ग में जाना है और परमेश्वर के साथ, उसके दूतों के साथ और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रहना है।
और मेरी सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है, बल्कि मेरी सिटीजनशिप कहाँ की है, वो स्वर्ग की है, और हम वहीं पे रहने जा रहे हैं। जो हमारा पासपोर्ट है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, और हमारा वीजा है कि हमारे पास सालवेशन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के लिए उनके संतान बन जाते हैं, और उनके हेरिडिटी में हम आ जाते हैं, और हमें हमेशा का जीवन मिलता है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास होता है। सो पवित्र आत्मा हमको बताती है कि आपको इस रास्ते जाना है कि उस रास्ते पर जाना है। और पवित्र आत्मा किसने दी हमें? पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह ने जाने से पहले दी। उसने ये कहा कि देखो, मैं तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा जो तुमको हर बात बताएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को हमारा कितना ध्यान था कि वो जब तक इस संसार में रहे तो उन्होंने सारी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई, और लोगों को चंगाई दी, और लोगों के लिए जो भी वो अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया, उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाया। और जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, उनके चेले विचलित हो रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ। तो वो सहायक हमारे साथ है, और वो सहायक हमको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमारी अगुवाई करता है, और वो हमें परमेश्वर के वचन को समझने की शक्ति देता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना लिमिटेड होता है कि हम नहीं जानते कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इस पैसेज का मतलब क्या है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, हमें उसकी समझ देता है कि हम उस वचन को समझ सकें। कई बार हम नहीं जानते कि हम क्या बोलेंगे और लोगों को क्या बताएंगे, लेकिन हमने और आपने ये नोट किया होगा कि पवित्र आत्मा हमसे वही बुलवाता है जो परमेश्वर बुलवाना चाहता है। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में बढ़ाएं। हम खोई हुई आत्माओं को, अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को परमेश्वर के पास लाएं, ताकि उनको स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त हो सके। सो मेरी प्रियो, हमारा यही मकसद है और हमारा यही काम है कि हम जो भी करें वो परमेश्वर के लिए करें, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करें। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं जीऊं या मरूं, मैं तेरे लिए हूँ। उसी तरह आज हम भी कहें कि मैं जीऊं या मरूं, मैं परमेश्वर के लिए हूँ। और हम जो भी काम करें वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। हम जो भी काम करें वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। और जो कुछ भी हम मांगें वो परमेश्वर से मांगें। मनुष्य से हम कोई आशा न रखें, क्योंकि मनुष्य हमको वही दे सकता है जो उसके पास है, लेकिन परमेश्वर हमको सब कुछ दे सकता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। और इसलिए हमको परमेश्वर से ही सारी आशा रखनी चाहिए। आर होप इज इन द लॉर्ड, आर होप शुड बी इन द लॉर्ड ऑलवेज। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत अच्छा वचन जो है वो फर्स्ट तिमोथी में लिखा हुआ है, और वो बाइबल से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी एंड चैप्टर 6 वर्सेस 7-11। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्सेस 7-11। क्योंकि ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं में संतुष्ट रहना चाहिए पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और जो है वो वस्तुओं, बुरी वस्तुओं के को व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का जो लोभ है वो हर तरह की बुराइयों को उत्पन्न करता है, और
इसको प्राप्त करते हुए, इसको इसका प्रयत्न करते हुए क्या होता है कि आप जो है वो दुखों में डूब जाते हैं। मतलब हम अपने लिए ही दुखों को आमंत्रित करते हैं जब हम इस संसार की और इस संसार की वस्तुओं की लालसा करते हैं। परंतु परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धन, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो यहाँ पर बाइबल हमको बहुत क्लियरली बताती, बड़े स्पष्ट रूप से बताती है कि हम इस जगत में ना तो कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। अगर हमको जो है रोटी मिल जाती, यहाँ खाना मिल जाता है और कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, तो हमको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें और बड़ी बड़ी चीज़ों की लालसा नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारे पास रहने के लिए एक घर है, एक छोटा घर ही है, यानी कि बहुत बड़ा विला हो, बहुत बड़ा महल हो, अगर हमारे पर छत है तो हमें परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए और उसका बार बार हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वो मकान जो है वो, उसमें हम टेम्पररी लाइफ में ही रहेंगे, लेकिन अनंत काल के लिए हम उस स्वर्ग में रहेंगे जहाँ की हमारा यीशु मसीह रहता है। तो मेरे प्रियो, हम इस संसार में अपने लिए कुछ भी बढ़ाने के लिए ना सोचें। हम कम से कम चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं, हमें उनके ऊपर ही आधारित रहना चाहिए और उनमें संतुष्ट रहना चाहिए। और हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हमारे अंदर धर्म होना चाहिए, दैट मीन्स राइटियसनेस, भक्ति होनी चाहिए और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का हमको पीछा करना चाहिए। दैट इज व्हाई बाइबल सेज सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल हिज राइटियसनेस। सो सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो बाकी चीजें हमको अपने आप ही दे देंगे। क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कोई भी हानिकारक वस्तु दे। अगर उसका बेटा रोटी मांगे तो वो उसको वो क्या कोई पत्थर दे, अगर वो मछली मांगे तो वो उसको सांप दे। बाइबल ऐसे कहती है कि कोई भी जब सांसारिक पिता अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो एक स्वर्गीय पिता जिसके पास सब कुछ है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह तक को दे दिया, वो क्या हमसे कोई चीज दूर रखेगा? क्या वो हमको अच्छी चीजों से तृप्त नहीं करेगा? वो परमेश्वर, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो हमको किसी भी चीज से वो दूर रखे, वंचित रखे। वो हमको सब कुछ दे सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास अच्छी वस्तुएं नहीं है, बड़ा मकान नहीं है, बड़ी कार नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, तो हम ये कहें कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर हमसे हर परिस्थिति में, हर दशा में, जीवन के हर काल में प्रेम करता है। चाहे हम दुखों से गुजरें, चाहे हम अंधकार से गुजरें, चाहे हम बीमारियों से गुजरें, पर परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में ऐसा लिखा हुआ है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमको एक मुर्गी के जैसे अपने पंखों के तले छिपा के रखता है और वो नहीं चाहता है कि हमें कोई भी नाश करे। और हमारा जो हमारा शरीर क्या है, वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस मंदिर को कोई भी नाश करे। और वो जो कोई भी जो इसको नाश करना चाहता है, परमेश्वर उसको पहले ही नाश कर देता है। सो मेरे प्रियो, हमें ये अपने अंदर उसकी ये प्रॉमिस जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, जीवन के हर क्षण में हमारे साथ हो, चाहे हम सुख में हो या दुख में हो।
और दुख में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमको सशक्त बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए दुख आते हैं। और उन दुखों में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। जैसे कि पिछली बार हमने सीखा था कि एक उकाब अपने बच्चों को, जब उनके छोटे छोटे पर निकल आते हैं, तो वो क्या करती है, उनको थोड़ा ऊपर अपने पंखों पे ले जाकर और उनको छोड़ देती है, ताकि वो अपने आप उड़ना सीखें। और लेकिन वो बच्चे उस समय में कितना डरते होंगे, और वो सोचते होंगे कि हम जमीन पे ना गिर जाएं, हमें चोट ना लग जाए। और जब वो गिरने लगते हैं, तो वो माँ जो होती है, मदर ईगल, वो उड़ते उड़ते जल्दी से नीचे आती है और उन बच्चों को अपने पंखों के ऊपर उठा लेती है, और वो फिर उनको छोड़ती है, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो उड़ना सीख जाते हैं। और वो इतना अच्छा उड़ने लगते हैं कि वो बादलों के ऊपर भी उड़ने लगते हैं, और किसी भी संकट में, किसी भी आंधी में, वो जो है आंधी से भी ऊपर उड़ना सीख जाते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, वेरियस दुखों को देकर, बीमारियां जब हमारे पर आती हैं, जब जब हमारे पर कठिन समय आता है, कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम उसकी नज़दीकी में रहें, और हमारा विश्वास उसके अंदर जो है परमेश्वर में दृढ़ होता चला जाए, और हम एक सच्ची गवाही बन सके लोगों के लिए। जब तक हमारे पर दुख नहीं पड़ेगा, तब तक हम क्या गवाही लोगों को देंगे। उस दुख में से परमेश्वर ने हमको कैसे निकाला, उस बीमारी से, उस एक्सीडेंट से, उस बुरे व्यक्ति से, उन बुरी परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमको किस तरह से निकाला, वो हम कैसे बताएंगे अगर हमारे पास दुख नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रियो, हमें जो दुख हमारे पर आता है, उसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि हमें आनंदित होना है कि परमेश्वर ने मुझे ये दुख दिया है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, वो मेरे जीवन को मजबूत बनाना चाहता है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है कि जो सोना कभी आग में नहीं गया, जो सोना कभी आग में नहीं तपा, वो कभी चमकता नहीं है, ना तो वो अच्छे आभूषण बना सकता है। जो चांदी कभी आग में नहीं जली, वो भी कभी चमक नहीं सकती है। सो जो चांदी का एक वो कारीगर होता है, वो उसको बार बार जो है उसमें आग में डालता है, फिर उसको निकाल के पोंच के देखता है कि उसमें पूरी तरह से चमक आ गई है कि नहीं, क्या मैं अपनी शक्ल उसमें देख सकता हूँ कि नहीं। इसी तरह से परमेश्वर हमको क्या है, वो आग में डाल के, और वो तब तक हमको आग में डालता है जब तक परमेश्वर की शक्ल हमारे अंदर नहीं दिखने लगती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, और वो चाहता है कि उसका स्वरूप जो है वो हमारे अंदर दिखे। हमारा जीवन जो है वो एक खुली किताब हो, जिसमें कि परमेश्वर दिखाई दे। तो इसीलिए वो है, हम दुख के थ्रू जाते हैं, हम दुख की वादियों में गुजरते हैं, और हम आग में तपते हैं, ताकि हम परमेश्वर के समान और परमेश्वर के जैसे बन जाएं, जैसे कि वो चाहता है। ये नहीं कि लूसीफर के जैसे हम ये चाहें कि परमेश्वर हमको, पर हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं और परमेश्वर जो काम करता है वो भी करने लगे। नहीं मेरे प्रियो, हमको बहुत ही नम्र बन के रहना है, हमें बहुत धीरज रखना है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलें, और हम परमेश्वर की नज़दीकी में हमेशा रहें, और हमेशा हमारी नज़रें जो हैं वो परमेश्वर पर लगी रहें, और दुनिया की हर बुरी बात से वो दूर रहें। तो मेरे प्रियो, हमें ये इस बात को याद रखना है। हम और वचन में से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और उसमें जैसे कि फर्स्ट पीटर में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पीटर और चैप्टर 2 वर्स 9-12। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 9-12।
जब परमेश्वर एक चीज देता है तो हम दूसरी चीज मांगने लगते हैं। दैट मीन्स कि हमारी लालसा कभी खत्म नहीं होती, हमारी अभिलाषाएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, जैसे कि हमने शुरू में देखा था। एक्चुअली जो फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो क्या ही धन्य है हम लोग जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा है, जिसने हमको अपनी संतान कहा है और जिसने हमको राज पदाधिकारी कहा है और याजक कहा है। वो परमेश्वर जो है वो इतना हमसे प्यार करता है और वो अंधकार से हमको कहाँ ले आया है, अंधकार से हमको ज्योति में ले आया है। और हमने पिछले के दिनों में ये भी पढ़ा है कि उसने परमेश्वर ने हमको अपनी ज्योति दी है और अपनी ज्योति देकर हमको उसने दूसरों के लिए ज्योति बनाया है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस ज्योति को जो है वो दूसरों को दें। अगर हम अपनी ज्योति को छुपा के रखेंगे तो उससे क्या लाभ। हमें इस ज्योति को फैलाना है ताकि दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकें, ताकि दूसरे लोग भी जो हैं अपने पापों के अपने गुनाहों से तौबा कर सकें और दूसरे लोग भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सकें। यही मेरा कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है प्रियो, कि हम हर दिन जो है लोगों को परमेश्वर के करीब लाने की कोशिश करें और परमेश्वर के राज्य की खोज करने के बारे में बताएं। और अगर कोई नहीं सुनता है तो हम क्या है उदास ना हो या हम हिम्मत ना हारे, बल्कि उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता है, जो बाइबल की बातों को नहीं सुनता है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे अचानक से याद आ गया कि एक पिता था और उसका जो बेटा जब वो जवान हुआ तो वो गलत रास्ते पे चला गया और वो दिन में ही निकल जाता था और रात को वो पार्टियों में अपने दोस्तों के साथ जो है डांस करता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था और वो रात को जो है बहुत लेट नाइट में घर आता था। और उसका पिता जो है वो क्या करता था, दरवाजे पे खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार करता था और वो चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो सही सलामत घर आ जाए। तो ये होता है एक पिता का प्यार कि बेटा कितना भी खराब हो, कितना भी गलत रास्ते पे चला जाए, फिर भी पिता उसको हमेशा प्यार करता है और वो हमेशा उसके लिए दुआएं मांगता है। तो इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो नहीं चाहता कि हम भटक जाएं, और अगर हम भटक जाते हैं तो वो हमको वापस लाने की का प्रयत्न करता है। और फिर भी जो लोग अगर नहीं मानते हैं और जो बुरे अंधकार में ही रहना चाहते हैं तो रोमन्स चैप्टर 1 में लिखा है कि वो हमेशा क्लेम को छोड़ देता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो चोरी चकारी में रहना चाहते हैं, बहुत से लोग झूठ ही बोलते हैं, कभी वो सच नहीं बोलते हैं, और कितने लोग हैं जो व्यभिचार करना नहीं छोड़ते हैं, कितने लोग हैं जो गंदगी में ही पड़े रहना चाहते हैं। तो उनको कितना भी बता दिया जाए, कितना भी परमेश्वर के बारे में समझाया जाए, पर वो कभी बदलते नहीं हैं। तो उनको परमेश्वर उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है और उसको दुख तो होता है लेकिन वो उनको छोड़ देता है, क्योंकि और वो कुछ कर नहीं सकता है। जैसे कि सदोम एंड गोमोरा में जब लोगों ने इतना पाप किया और उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा करी, होमोसेक्सुअलिटी करी, सब कुछ किया, और परमेश्वर उनसे इतना नाराज हो गया कि उसने उनको नाश कर दिया और उन सबको उसने जला दिया। तो इस तरह परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, पर जब हम उसके पास नहीं आते, उसके प्रेम को नहीं समझते हैं तो उसका गुस्सा भी भड़क जाता है और वो जितना प्रेम करता है उतना ही वो क्रोध में आकर नाश भी कर सकता है।
ये सब चीजें हमने इसराइलियों के बीच में देखी, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे और पाप करते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे, तो परमेश्वर कितना नाराज हुआ उनसे, और एक भी व्यक्ति जो है वो उसमें दूसरे देश में कनान में नहीं जा सका, जहाँ पर कि मिल्क एंड हनी बहुत ज्यादा पाए जाते थे, और केवल एंड केवल जो है केलब वहाँ पर जा सका और जोशुआ जा सका। तो इस तरह परमेश्वर से हम डर कर रहे हैं, हम परमेश्वर का भय माने कि परमेश्वर ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है और वो किसी भी तरह की सजा दे सकता है, तो हमें परमेश्वर का भय मान के रहना चाहिए। और जब पॉल इस दुनिया में थे तो उन्होंने लिखा, तो पॉल ने लिखा कि आई स्टे इन द वर्ल्ड बट आई एम नॉट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स मैं संसार में रहता तो हूँ लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूँ। बहुत से लोग सोचते कि हम तो कई सालों तक जीवित रहेंगे, कई सालों तक हम दुनिया में रहेंगे, और वो उसी तरह से जो है अपनी तैयारियां करते हैं, उसी तरह से अपने लिए धन एकत्रित करते हैं कि हम कितने भी साल के हों हमारे पर धन की कमी ना हो, और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को और हमारी कई पुश्तों को जो है वो उनके लिए पैसा इनफ रहे। तो इस तरह से लोग सोचते हैं और वो परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते हैं, पर अंत में उनको क्या मिलता है, अंत में उनको केवल और केवल नरक ही मिलता है और कुछ नहीं प्राप्त होता है। सो मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि अंत में हमें कहाँ जाना है, इस संसार की चीजों में रहकर हमें नरक में जाना है या फिर हमको परमेश्वर पे ध्यान देकर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके और उसकी बातों पे ध्यान देके हमें अनंत काल तक स्वर्ग में रहना है। सो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको फ्री विल दी है, फ्री चॉइस दी है प्रियो, कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें। रास्ता जो सकरा है वो हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है, लेकिन रास्ता जो चौड़ा है वो आराम का मौज मस्ती वाला है वो हमको नरक की ओर ले जाता है। सो अभी भी समय है कि हम अपने लिए जो सही रास्ता चुन लें जो हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है। सो प्रियो, जो कुछ भी हमने सुना है, हो सकता है हम कई बार उस बात को सुन चुके हों, लेकिन परमेश्वर हमको बार बार ये चिताना चाहता है, वो हमको बार बार ये बात सिखाना चाहता है, जैसे कि मदर ईगल अपने बच्चों को बार बार ऊपर ले जाके उनको छोड़ देती है कि मेरे बच्चे जो हैं उड़ना सीख जाएं। उसी तरह परमेश्वर जो है हमको बार बार ये शिक्षा देता है और हमको अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा ये बताना चाहता है कि हमें अनंत जीवन की तैयारी करनी है, ना कि इस संसार की, क्योंकि इस संसार में हम जब तक हैं परमेश्वर को हमारे खाने पीने की, हमारे कपड़ों की, हमारे लिए ज़रूरी चीज़ों की उसको ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे छोड़ दो, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, और वो हमको खाने के लिए देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं चिड़ियों को जब हर रोज का दाना देता हूँ जो नहीं जानती कि वो कल क्या खाएंगी, जिस तरह मैं लिली को कपड़े पहनाता हूँ, लिली के फूल को डेली कपड़े पहनाता हूँ, तो तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो। तो हम उसके बच्चे परमेश्वर के लिए बहुत अधिक मूल्यवान हैं और वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। सो प्रियो, ये तो बात आपने भी अपने जीवन में कई बार देखी होगी कि जब हमारी ज़रूरत के बहुत ज़रूरत का सामान हमारे पास नहीं होता है, जब हमारे पास अपनी बीमारी के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो जब हमारे बच्चे की फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से हमारी नीड को पूरा करता है। तो मेरे प्रियो, मेरी भी यही गवाही है कि जब मेरे पास जॉब नहीं था, जब मैं बहुत ही आर्थिक समस्या से गुजर रही थी, तब मेरा कोई भी सहायता करने वाला नहीं था,
और मेरी बेटी पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, तब मैंने बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना किया है, लेकिन एकदम राइट समय पे परमेश्वर वो सारी आवश्यकताएं पूरी करता था। धन्य है वो परमेश्वर, और उसकी मैं महिमा करती हूँ कि आज मेरी बेटी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और अब वो नौकरी कर रही है, और मुझे भी बहुत अच्छी नौकरी परमेश्वर ने दी। तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, और वो उनको दुखों में नहीं छोड़ता है। सो मेरे प्रियो, हम दुख में हों या सुख में हों, हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमने आज देखा परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, कि वो हमको नाश होने नहीं देना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में अनंत काल तक उसके साथ रहें, उसके दूतों के साथ रहें, उसकी जय जयकार करें। और जो परमेश्वर का आनंद है वो अभी से हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, और स्वर्ग में जाके वो आनंद जो है और भी ज़्यादा बढ़े और बना रहे। तो ये है परमेश्वर की इच्छा, उत्तम सर्वोत्तम इच्छा, कि हम जो हैं हमेशा के लिए जीवित रहें और प्रसन्न रहें। तो जो भी लेसन हमने आज सीखा है, जो भी वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं चाहती हूँ कि मैं और आप इस वचन पर ध्यान दें और हमेशा परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहें। यीशु ही मेरा रास्ता है जो कि हमें जो है अनंत जीवन दिलाता है और हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो सारे रास्ते जो हैं दुनिया के बेकार हैं, लेकिन यीशु ही एक पथ है जो हमको अनंत काल तक अनंत जीवन देता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम इसको क्लोज करते हैं और एक दुआ मांगते हैं। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमको इतनी सारी नियामतें दी हैं, और सबसे बड़ी नियामत कि आपने हमको अपनी संतान बनाकर हमें इतना बड़ा मौका दिया है कि हम आपके साथ स्वर्ग लोक में रह सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी जो भी मंशा है, आपका जो भी उद्देश्य है हमारे जीवन से, कि हम दूसरों को भी आपके बारे में बताएं और उनको भी स्वर्ग का रास्ता दिखाएं, प्यारे प्रभु जी होने दे कि हम तन मन धन से इस काम में लगे रहें, और हम जैसे हमको अनंत जीवन मिला है, हम दूसरों को भी इस अनंत जीवन के बारे में बताएं। प्यारे प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक माँ के जैसे प्रेम दिया है, सांत्वना दी है, एक बाप के जैसे हमारी सारी नीड्स को पूरा किया है, और हमको अभी तक सुरक्षित रखा है, हमको कई खतरों से बचाया, हमें कई पापों से बचाया फादर, हमें टेम्पटेशन से बचाया पूरे हफ्ते, और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अपनी सामर्थ्य दी है कि हम सारे काम, सारे मुश्किल काम भी कर सकते हैं। और प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आने वाले हफ्ते में भी, इस हफ्ते में भी हमको हर परीक्षा से दूर रखना और अपने करीब रखना, अपने समीप रखना, और हमारा जीवन आपके समीप हो, और हम आपके दामन से जो है चिपटे रहें, आपसे चिपटे रहें, और आपके वचन को अपने हृदय में छुपा रखें ताकि हम पाप ना करें। प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ होना, अगर कोई बीमार है तो उनको चंगाई देना, अगर किसी को आर्थिक समस्या है तो उनकी उस समस्या को दूर करना प्रभु जी, अगर उनको किसी बात का दुख है और किसी बात का रंज है तो उनको तसल्ली देना प्रभु जी, और हर एक बीमार के बिस्तर को पलट देना प्रभु। और हम अनुपम भाई और शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी बरकतों से मालामाल करना, अपनी आशीषों से मालामाल करना प्रभु, और उनको जो आपने इतना सुंदर समय अजमेर में दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जो वचन हम उनसे सुनेंगे उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी उन्होंने सीखा है वो हमसे शेयर करेंगे इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप उनके साथ होइए, उनको सुरक्षित रखिए, उनका अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और उनके परिवार के साथ होइए, सबको अपने अनुग्रह में
रखें। और अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आमीन। सो आप सबको धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और जो बाद में भी सुनेंगे उनको भी मैं आशीषित करती हूँ, और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उस पे जरूर आप चलिए और कोशिश करिए, फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक बार फिर से जय मसीह की। और आप सब से खुदा ने चाहा तो अगले सोमवार को हम फिर से इसी समय 8 बजे आगरा मसीही मंडली के पेज पर मिलेंगे। ओके, शुभ रात्रि।